कितने काम कर रहे हैं अगले दिन बैठे वेर चला लेता वेर बैठे तो सूरज से अब क्या जो शहर से बहुत दूर है और वापस आते आते ना मेरे फोन की बैटरी चली गई थी इसलिए मेरा फोन बंद हो गया था अपने जूनियर के लिए मैं अलग अलग गया था क्योंकि मैंने सोचा कि हमारे जूनियर को भी तो कोई चाहिए ना इसलिए मैंने सोचा कि हमें बच्चा गोद लेंगे ताकि अपने जूनियर को एक साथी मिल जाएगा और उस अनाथ बच्चे को इच्छा दीपा जब अपने आप उधर जाएगी फिर मैं अच्छा उस दिन तो किसी तरह मैं बच गया लेकिन एक अच्छी बात मेरे दिमाग में आ गई इस सजी थोड़ा कट कर क्या खोला दोस्तों बहुत ओके रोलिंग आई एक हाफ स्टेप ले ना पीछे से रोलिंग आई एक्शन अरे किसे जेल भिजवाएंगे रंजीत जी सीना डॉक्टर साहब एक्चुअली शीना मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ बताने आई हूँ नाम मत लो उस चीटर का अरे नहीं नहीं गलती मेरी है मैंने हैरी की वाइफ को बकुल की वाइफ समझ लिया लेकिन आपने तो कहा था कि गलतफहमी नहीं हुई है जिन्ना ने खुद आपसे बकुल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था अब किसी को भूलने की बीमारी हो तो वो ऐसा ही करेगा ना भूलने की बीमारी रंजीत बोल रहा है किसे है भूलने की बीमारी इनकी वाइफ को लेकिन जहां तक हम जिन्ना को जानते हैं उसे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है रंजीत हाँ हाँ उसे तो सब याद रहता है और एक हैरी कब से है तुम्हारी पत्नी कोई बीमारी सर अब आपको मैं क्या बताऊं अभी कुछ ही दिन पहले और उनके हाथ पे धागा बांध दिया हमें लगा कि कितनी महान औरत है जो दूसरे के पति का भी ध्यान रखती है लेकिन सर तुम्हें पता चला कि जिगरा को भूलने की बीमारी हाँ पापा उसने बकुल के हाथ में धागा हां ये तरह तक तो हम चेंज नहीं आते ओके हां हेलो हेलो भूलने की बीमारी है सर पापा उसने बकुल के हाथ में धागा बांध दिया था ये तो मुझे भी पता है लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिगना सॉरी और मैंने अपने बेबी पे बेकार ही शक किया गलती मेरी है मैं गलत समझ बैठी और सॉरी मैं कंटिन्यू एक्शन गलती तो मुझसे हो गई मैंने गलत समझा और आपको भी शक में डाल दिया और आप में भी शक पैदा कर दिया कोई बात नहीं डॉक्टर इंसान से गलतियां तो होती रहती है मैंने चिकना को यहाँ पे बुला लिया है चेकअप के लिए वो बस बकुल के साथ आती ही होगी आ गए कट चलो दूसरा के बाद लो डॉक्टर आप मेरा चेकअप करेंगी ना जिना डॉक्टर मैं नहीं हूँ जिना ये है यस चिकना मैं तुम्हारा चेकअप जरूर करूंगी लेकिन यहाँ नहीं तुम्हारे घर और हाँ चाय जरूर पीऊंगी आई एम सॉरी जिगना मुझसे गलती हो गई कोई बात नहीं गलती तो इंसान से ही होती है ना नहीं कोई नहीं डॉक्टर जी रोलिंग कोई नहीं डॉक्टर जी गलती तो इंसान से ही होती है ना
शीना। हाँ वैसे गलती मुझसे और मेरे पापा डैड से भी हुई है। शीना जी पापा पापा की डैड। हाँ कोई तो बात नहीं पापा यानी पिता। चलो चलो रोली एंड शीना जी ये पिता वाला पिता। हाँ दबड़ो फिर दबड़ो को डैडी यानी पिता। चलो रोल पापा मनी पिता पिता तो परमेश्वर होता है। डैडी यानी डैडी। चलो चलो रोली बुरा नहीं मानना चाहिए। सब डॉक्टर को देख रहे हैं। सामने मैंने शीना बेटे का पापू मुझे पता ही नहीं था। अबे चुप दब बेटे उसे भूलने की बीमारी होगी और तू फालतू का क्रेडिट ले रहा है। वो मारी ले चल किसे भूलने की बीमारी नहीं भूलने की बीमारी और एक्शन वो मारी ले भूलने की बीमारी। शीना मैं हूँ शीना का डैडी मैं हूँ। हाँ वो मैं जानती हूँ छल पर भूलने की बीमारी किसको है? किसी को नहीं है किसी को नहीं है। अरे जिग्ना जिसको भूलने की बीमारी होती है उसे कहाँ याद होता है कि उसे भूलने की बीमारी है क्यों डॉक्टर? हाँ हाँ पर विष्णु जी किसको बीमारी है? जिग्ना तुम्हारे विष्णु जी ये नहीं। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप जानते हैं ना जिग्ना तुम स्ट्रेस मत लो और भूलने की बीमारी किसी को नहीं है। तुम घर जाकर रेस्ट करो ठीक है। डॉक्टर नीता तुम्हें वही आकर तुमसे मिल लेगी। ओके हरी तू डॉक्टर जिग्ना को लेके निकल मैं आता हूँ। निकल 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 डॉक्टर और जिग्ना को डॉक्टर जिग्ना डॉक्टर जिग्ना मैं आता हूँ। चल 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 निकल 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 नमस्ते निकल निकल। हाँ कट ओके हिबा 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 टू शॉट हिबा और क्या बात कर रहा सीन की तो बकुल को हैरी ने आके फिर से बचा लिया है। हाँ इस बार का ट्रैक ऐसा चल रहा है कि बकुल की जो दोनों बीवियाँ हैं जिग्ना और शीना दोनों की दोनों प्रेग्नेंट हो गई है फॉर अ चेंज। तो अभी बॉस को ये लग रहा है कि क्योंकि ये जिग्ना मेरी पत्नी है तो हैरी का बच्चा है और यहाँ पे ये पूरा कंफ्यूजन का माहौल है। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों की जो गायनेकोलॉजिस्ट है दोनों की जो डॉक्टर है वो भी सेम टू सेम है। तो अभी ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता। तो हैरी क्या करता है कि उधर जाके उनको थोड़ा डरा धमकाता है पंडित को एंड इस तरफ गायनेकोलॉजिस्ट को झूठ बोलता है कि ये जो जिग्ना है उसे थोड़ा थोड़ी भेंगी है थोड़ी आड़ा देख के बात करने की हैबिट है। वो कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग किसी भी तरह से बाहर आ जाते हैं। इस बीच में जिग्ना को भी गजनी बना दिया गया है। हाँ जिग्ना को दो दो बीमारी हमने एक साथ दे दी क्योंकि एक जगह पे बोला हुआ है कि वो थोड़ी भेंगी और दूसरी जगह पे बोला हुआ है कि उसे भूलने की अल्जाइमर्स यानी कि भूलने की बीमारी है। तो वो बेचारी कन्फ्यूजन जैसे कि हर एपिसोड में हमारा होता है इन दी एंड बकुल किसी भी तरह से बच जाता है। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से किसी भी तरह इस बार भी हम लोग बच गए। पहले तो बकुल के साथ हैरी भी था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है डॉक्टर भी साथ में मिल गई है उनके। नहीं डॉक्टर साथ में मिली नहीं है डॉक्टर को झूठ बोल के हम लोग लाए हुए कि ये बेचारी को भूलने की बीमारी है सो शी इज ऑल्सो पेशेंट। तो आप प्लीज़ इंसानियत के नाम पे आके ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है इसे दूर कर दीजिए एंड सम हाउ द डॉक्टर कम्स एंड में आके पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देते। जैसे हैरी का कैरेक्टर है वैसे हार्दिक ने अपने कैरेक्टर से मिलते जुलते जो हैरी का कैरेक्टर है। हाँ मैं अपने दोस्तों को बचाता तो हूँ बट डिफरेंस ये है कि ज़्यादा फंसते मैं रहता हूँ सिचुएशन में। बट ये नाम भी मैंने ही दिया सजेस्ट किया था इस शो के लिए हैरी यानी कि हरी प्रसाद चौरसिया बिकॉज आई रियली लाइक द नेम। एंड कैरेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं भी ऐसा ही हूँ चुलबुल जैसा इन रियल लाइफ। बस हाँ मैं ज़्यादा इसमें शादी नहीं होती है और यहाँ मेरी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं बस उतना ही फ़र्क है। लास्टली उसको यही बोलना चाहेंगे कि बस आपका प्यार हमें देते रहिए और भाग बकुल भाग देखते रहिए। थैंक यू।